नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने से चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप दो लोगों के बीच में मनमुटाव यानी कि झगड़ा करवाना चाहते हैं अगर, तो कैसे करवा सकते हैं। यदि ये उपाय आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार मैच हो गया, सटीक बैठ गया, तो आपको इसमें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बात आती है कि अगर ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपके नहीं बैठा, सटीक नहीं मैच हुआ, तो क्या करना होगा। उसके लिए आपको अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपको आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार इस विषय पे या किसी भी अन्य विषय पे उपाय बताएं, तो उसके लिए आपको हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर, टेलीग्राम को डाउनलोड करें, उस पर सर्च करें कागज़ पर टोटके। कागज़ पर टोटके आप सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप का ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। या फिर दूसरा तरीका ये है, इसी वीडियो के नीचे हमारे ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम के, उस पर क्लिक करें तो आपको सीधा हमारे ग्रुप की तरफ ले जाएगा। ज्वाइन करिए, फिर हम उस जैसे आप उसमें ऐड हो जाएंगे तो ग्रुप का कोई अन्य सदस्य आपका फ़ोन नंबर नहीं देख पाएगा, ना ही आप किसी का नंबर देख पाएंगे। तो इससे क्या होती है, प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता बनी रहेगी। साथ ही साथ ये फ़ायदा भी होगा कि हम आपको किसी भी दिन मैसेज कर देंगे और आपसे आपकी व्यक्तिगत समस्या पूछेंगे और थोड़ी जानकारी लेनी होती है, और आपको जो आपकी समस्या का हल है वो हम बताएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यदि आप दो लोगों के बीच में उपाय करना चाह रहे हैं, उनको दूर करना चाह रहे हैं, लड़ाई कराना चाह रहे हैं, मगर ये लाभ तभी मिलेगा यदि वो दो व्यक्ति मिलकर आपको परेशान करते हों या उनके मिलने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो ये उपाय आप करेंगे तभी। ऐसा ना हो कि बेवजह आप किसी को भी लड़ाना चाहें, तो ऐसा उपाय आप नहीं करें क्योंकि लाभ नहीं मिलेगा। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ये उपाय कर सकते हैं। यदि इन दो व्यक्तियों में से किसी एक को आप वापस पाना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, सूखी हुई मिर्च लेनी है आपको, इसमें आवश्यकता पड़ेगी। पहला व्यक्ति जो भी है उसका नाम लिखने से पहले आपको एक ऐसे बनाना है, इधर लिखेंगे 7, इधर 10, इधर 75, इधर 51, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम ये जो नाम है इसके अंदर भी लिखेंगे, जो भी नाम है, और इसके नीचे भी नाम लिखेंगे उस व्यक्ति का। अब उसकी तस्वीर अगर है आपके पास उस व्यक्ति की, तो आप उसकी तस्वीर यहाँ पे चिपका देंगे, वरना आप बनाएंगे तस्वीर। आप सादे पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मोटा पेन इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वीडियो में प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे सके। हमने जल्दी जल्दी बना दिया है क्योंकि वीडियो में बना रहे हैं, आपको पूरा 2 से 3 मिनट ध्यान लगा देना है कि हाँ यही है वह व्यक्ति जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। यदि वो पुरुष है तो पुरुष की तस्वीर बनाएं, यदि स्त्री है तो स्त्री की तस्वीर बनाएं। यदि इस व्यक्ति को आप वापस पाना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति को, तो भी ये उपाय किया जा सकता है, वो हम बताएंगे कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही इसमें भी वही लिखेंगे, 7, 10, 75, 51, और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का नाम, जो भी नाम है उसका उसका यहाँ लिखेंगे। और नाम लिखने के बाद इधर भी उसका नाम आएगा, ये पहला व्यक्ति था तो ये दूसरा हो गया। और जैसा कि हम बताते हैं आपको तस्वीर चिपका देनी है, यदि तस्वीर है अधिकतर लोगों के पास तस्वीर मोबाइल पे तो होती है, मगर नहीं होती है ऐसे कि वो चिपका सकें, इसलिए ये तस्वीर बनाई जाती है और पूरा ध्यान लगा के बनाना होता है। ये बहुत जरूरी होता है उपाय में कि ध्यान लगा दें कि हाँ यही है व्यक्ति जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। तो ये उपाय करना आपको तभी है जब आप पूरा ध्यान लगाएं, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी बना दें आप,
आराम से बनाइए, 2-3 मिनट एक तस्वीर बनाने में लगाइए, और ध्यान ये लगाएं कि हाँ यही है वो व्यक्ति जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको ये जो सूखी भी होनी चाहिए, चाहे हरी मिर्च हो चाहे लाल मिर्च हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सूखी भी होना आवश्यक, ताज़ी ताज़ी नहीं लेनी है। तो दो दो लें या एक एक लें आप, और इनके ऊपर रख दीजिएगा, इनके ऊपर रख दीजिएगा ऐसे। अब इसके ऊपर आप कोई कपड़ा रख दें, काले रंग का कपड़ा या कोई से भी रंग का कपड़ा इसके ऊपर रख दीजिएगा, मगर जब आप ये रख रहे होंगे कपड़ा, तो दिमाग में बस ये एक दो बार सोचना है कि हाँ इनके बीच में लड़ाई उत्पन्न होगी इस उपाय से, और लाल या काला कपड़ा कोई सा भी रंग का कपड़ा हो, काले रंग का हो तो ज़्यादा बेहतर है, इसके ऊपर रख दीजिएगा। और कहीं पे भी घर की बालकनी में या छत पे, जहाँ पे भी रख सकें आप वहाँ पे रख दें। इतना कोशिश करें कि उस पर धूप की किरणें, सूरज की किरणें अवश्य आए। ये उपाय आप करेंगे शुक्रवार को या फिर रविवार को, इन दो में से किसी एक दिन, 24 घंटे के लिए रखेंगे इसको कम से कम, 24 घंटे के लिए। यानी कि आपने संडे को करा तो 24 घंटे के लिए रखेंगे इसको। संडे को मान लीजिए आपने 12 बजे करा दिन में, तो अगले दिन सोमवार को 12 बजे तक इसको वहीं रहने देंगे। फिर लाल कपड़ा या फिर जौन सा भी कपड़ा आपने रखा था उसको हटाएंगे आप। हटाने के बाद ये वाली जो मिर्च है इसको इसके ऊपर रगड़ेंगे, और जो इसकी मिर्च थी वो इसके ऊपर रगड़ेंगे, ठीक है। रगड़ना है कम से कम 7-8 बार दोनों को रगड़ें, और इसके बाद इनके ऊपर ये जो है ऐसे कांटा लगा दें, किसी भी कलम से ऐसे आप कांटा लगा दें। इस बात का ध्यान रखना है कि ये देख लीजिए, लाल मिर्च या कौन सी भी मिर्च है, ये हरी भी हो सकती है, लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सूखी भी होनी आवश्यक है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और फिर इसको बीच में छोड़ देंगे, और ये कागज ऐसे ही बंद करेंगे, और बाहर जहाँ पे भी आप कूड़े कबाड़े में फेंकना चाहें फेंक सकते हैं। मगर अब बात आती है कि ये जो जब आप कांटा लगा रहे होंगे तो ये तो सोचना ही है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अगर आप इस व्यक्ति को वापस पाना चाहते हैं तो वो भी सोचना है आपको उस समय कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आए, तो पूरा ध्यान लगाना है। इसलिए ये नहीं कि जल्दी से कांटा लगा दिया, आराम से लगाए कांटा, यूं कांटा आराम से लगाते हुए चलें, और दिमाग में सोचते हुए चलें कि हाँ इन दोनों के बीच में मनमुटाव यानी कि लड़ाई हो रही है, मगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आएगा, और जैसा पहला रिश्ता था वैसा ही रखेंगे। तो ये उपाय आपको ऐसे करना है, एक बार फिर देख लीजिए आप। तो बंधु ये उपाय आप करके देखें, इसमें निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई सवाल है तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही अन्य वीडियो भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।